हम लोग परिक्रमा करते करते स्थल बन गया और वाशी में उमराऊ गांव हम लोग बस से उतरे नहीं किंतु छत्र बन पड़ा पहले छत्र बन बने जहां पर छत्रपति महाराज बैठता है सिंहासन पर तो छत्र चावल धारण किया गया तो कृष्ण छत्रपन में राजा बन करके विद मंगल ने उनको घोषणा की ये ब्रज के राजा है और छत्र धारण किया सुबह सिद्धाम इत्यादि ये बुलाने लगे चावल जब ललिता सखी और उनको श्रीमती राधिका विशाखा इत्यादि को जब पता लगा तो पासी में जो उमराव गांव है हमारे राज्य में और इन्हें अधिकार करते ये सब भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इससे भी अधिक वर्णन किया मैं उसका संक्षेप सार बता और यदि हो तो मैं उसको पढ़ दूंगा होगा तो उमराव गांव में सब गोपियों ने मिल करके मंत्र उच्चारण करके राधा जी को ब्रज मंडल का उमराव बना दिया उमराव माने राजा और ललिता इत्यादि ने छत्र धारण किया चमक धारण किया और कहा यदि हमारे राज्य में कोई दूसरा छत्रपति बन रहा है तो अभी तुरंत उसको आक्रमण करके और उसी को पकड़ करके यहाँ ले आओ इसके बाद में ये सब सैन्य बन करके ललिता जी के अधीन में और वहां पर कृष्ण के ऊपर में आक्रमण किया और मधुमंगल को और कृष्ण सब को पकड़ लिया पहले मधुमंगल को पकड़ा मधुमंगल को पकड़ करके राधा जी के चरणों में ही गिराया गिराने के बाद में मधुमंगल ने कहा हमको क्षमा कर दो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा और छोड़ दो मैं कृष्ण को भी ले करके तुम्हारे चरणों में गिराऊंगा मधुमंगल को छोड़ देने के बाद में मधुमंगल गया और कृष्ण से बोला देखो हमको तुम लोगों ने बांध दिया अब बड़ी मुश्किल से छोड़ा हमारी तो ये राय है कि आप उसके आपको वो परास्त कर देंगे इसलिए आप मेरे साथ में चलिए और सहज रूप में उसकी अधीनता स्वीकार कीजिए और नहीं तो आपको भी पराजित होना पड़ेगा इस पर मधुमंगल का हाथ पकड़ते कृष्ण आए और वहां आकर के छत्र वहां पर बैठी थी सिंहासन के ऊपर में ललिता इत्यादि चमक लगा रहे हैं वहां पर कृष्ण उनको प्रणत हुए इसलिए उस गांव का नाम उमराव गांव है भक्ति रत्नाकर में हमने तो थोड़ा सा कहा इसमें और बहुत वर्णन किया है उसके बाद में नरी शेमरी एक गांव है नरी और एक है शेमरी गांव को हम लोग पार करके आए पासरी से नरी माने क्या है किन्नरी और शेमरी माने श्यामला सखी से नरी किन्नरी किन्नरी कौन है श्रीमती राधिका इत्यादि जी किन्नरी यहां पर उन्होंने विलास किया था और श्यामा सखी का गांव शेमरी है इसलिए वहां पर राधा जी को किन्नरी मान करके और श्यामा सखी को का गांव है इसलिए नरिशे में हुआ किंतु वहां पर एक लीला का भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में और वर्णन किया है बना है कि वहीं पर कृष्ण किन्नरी श्यामा किन्नरी बनकर के कृष्ण श्यामा सखी बनकर के किन्नरी बनकर के गए और वहां पर श्रीमती राधिका से मान रत्न की इच्छा की थी इसलिए नरी नरी शेमरी गांव बखरा पासी में है बखरा माने बक बक माने बकासु काम जहां पर कृष्ण ने वध किया था वो बखरा नामक स्थान है पासी में नेउछा एक गांव और है हम लोग जब बस से आए ये रास्ते में ये सब पड़ता है नेउछा मैया यशोदा और दूसरी मैया सखाओं को दे करके या घर वाले लोगों को भेज करके कृष्ण के लिए छात भेज देते छात माने का दो बार का भोजन
छाप मैंने होता है भोजन, वो रस्सी के बने हुए जिसमें की रख दी करके और पेड़ की डालियों में उसको बांध देते और कृष्ण गोचार करते हुए आकर उतार करके शाखाओं के बीच में बैठ करके छाप को आरोग देते थे, मैंने ग्रहण करते थे, खाते थे बड़े प्रेम के साथ में, इसलिए नियोछा। भंडागोर एक स्थान आया, भंडागोर माने फदाली, फदाली अब उसका नाम है, भद्रा सखी का स्थान है। भद्रा सखी कौन है? ये तटस्था, श्रीमती राधिका के स्वपक्ष से वो तटस्था है अथवा चंद्रावली इत्यादि के सुमित पक्ष है, वो सखी है। पाए गांव एक पड़ा, पाए गांव माने जहां पर कृष्ण गोचारण के समय जिस गांव में जाते, गांव वाले ब्रजवासी लोग बड़े प्रेम से सखाओं के लिए दूध देते थे, इसलिए उस गांव का नाम पाए गांव पड़ा। अथवा कृष्ण जब छोटे थे हैं तो गैया कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करती, कृष्ण कब आएंगे, तब अपने स्तन से अपने आप कृष्ण को दूध पिलाती थी, अपने बच्चों को नहीं देती, बच्चे आकर के स्तन से लगते उनको पैर मार देती और जब कृष्ण आते उनको देखते ही अपने आप उनका दूध चुआने लगता था। जहां पर वहां पर कृष्ण पीते थे उस गांव का नाम हो गया पाए गांव। पासी में शेषशाही है, हम लोग शेषशाही को गए नहीं, कोटक वन में गए, वही ब्रज की सीमा है। शेषशाही में गोपियां एक समय कृष्ण के साथ में बैठी थी, उन्होंने कहा हम सुनते हैं कि आप स्वयं नारायण हैं, ऐसा हमने सुना है जोग माया पूर्णमासी जी के मुख से, तो ये बात है तो भगवान को शाइन किए थे तो इतना बड़ा भारी ये तालाब है, सरोवर है शेषशाही, बहुत बड़ा, कम से कम तो 3-4 माइल लंबा चौड़ा सरोवर है। उन्होंने कहा यदि आप वही हैं तो आप शेषशाही कीजिए हम देखे। उसी समय गोपियों को कहने से कृष्ण कमल के पुष्प हो गए बड़े बड़े और उसके ऊपर में शयन किया और श्रीमती राधिका जी स्वयं समस्त लक्ष्मी की लक्ष्मी उनके पैर को संवाहन करने लगी। वो शेषशाही गांव पासी में बंचरी है, यह ब्रज की अंतिम सीमा है। जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो होटल से पहले ये पड़ता है बंचरी, बंचरी माने वन में जहां पर कृष्ण अंतिम शेष सीमा में गोचारण के लिए जाते, वो एक तरफ का वो अंतिम है बंचरी। इसके बाद में हम लोग आए खेलन वन में, खेलन वन में हम लोग थे, वहां का कथा हमने बतलाया और उसके बाद उसके पहले कोशी, कोशी माने क्या, कोशी माने कुश, कुश वन, कुशस्थली, द्वारका कुशस्थली कहलाती है। कहते हैं कि ये ब्रज की इस सीमा से लेकर के द्वारका तक सब कुशस्थली है, इसलिए इसका नाम कुशों का बल है, इसलिए कुशस्थली। अथवा एक विशेष है और लीला यहाँ पर कि यहाँ पर कभी श्रीमती राधिका जी अपने घर में थी और कृष्ण वहां पर आए और कहने लगे ये कपाट खोलो, तो उन्होंने पूछा कि को आशी तुम कौन हो, को आशी से कोशी तुम कौन हो, तो कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं। रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक को लिखा है मैं कृष्ण हूं, कृष्ण मैंने तो उन्होंने श्रीमती जी ने कहा मनी मन में कृष्ण मैंने तो कृष्ण सर्प काला सर्प होता है, उन्होंने ये काले सर्प की यहाँ जरूरत नहीं है, बन में जाओ, यहाँ पर कृष्ण सर्प की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं वो कृष्ण नहीं हूँ, मैं घनश्याम हूँ,
तो घनश्याम है, घनश्याम का अर्थ भी होता है मेघ, घन श्याम, श्याम घन मेघ। यदि तुम घनश्याम हो, वर्षा बरसात बरसाने वाले, तो यहाँ का क्या जरूरत है, हमारे घर में किच करने की जरूरत नहीं, तुम चले जाओ वन जंगल में बरसाओ, जहाँ पर कृषि होती है वहां पर बरसाओ। अरे वो नहीं, मैं चक्री हूं, तो चक्री माने एक भगवान का नाम भी है चक्री, जो चक्र धारण करते हैं, और दूसरा नाम है चक्री का जो कुलाल होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको इसमें चक्री कहते हैं। राजा जी, हमारे घर में कोई विवाह उत्सव इत्यादि नहीं है, यदि बर्तन बेचने की जरूरत है और तुम चक्री है तो जाओ जहां पर की ब्रजवासियों के घरों में शादी हो रही है वहां पर तुम बेचो, यहाँ पर इसकी जरूरत है। अरे उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं, मैं हरि हूं, तुम हरि हो, हरि माने तो हरि है, कृष्ण का नाम है ये, और हरि माने एक बंदर भी होता है, एक होता है सिंह, तो तुम यदि हरि यदि शेर है अथवा बंदर है, तो बंदर यहाँ पर किसी को नोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जंगल में चले गए। इसलिए कृष्ण ने जो जो नाम अपना कहा, उन्होंने द्वैयार्थक रूप में उनके नामों का दूसरा अर्थ देकर के उन्होंने उनको लौटा दिया। जहाँ पर ये लीला हुई उसको उर्वशी बन कहते हैं, यह लीला हम लोगों को, हम उस लीला को प्रणाम करते हैं, रूप गोस्वामी ने इस प्रकार से कहा। उसके बाद में हम लोग वत्स वन में आए, वत्स वन में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और सखाओं को चोरी करके खादर में रख दिया। खादर माने क्या, यमुना जी के खादर माने बहुत ऊंचे गड्ढे हैं जिनमें हाथी भी डूब जाए, तो वहां पर उन्होंने चुरा करके रख दिया था, और जिसके बाद की कथा आप भागवत से जानते हैं। इसलिए जहां पर बछड़ों को और सखाओं इन्होंने चोरी करके रख दिया था, इसलिए उसको वत्स वन कहा। वो वत्स वन कहां है, शेई गांव में, शेई गांव किसके नाम पड़ा, शेई ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे आगे ये वो बालक नहीं है, शेई कौन है, स्वयं नारायण। उन्होंने देखा कितने बछड़े, कितने ग्वाल बाल, यहां तक कि बंसी कमलिया जो कुछ है सब कुछ चतुर्भुज रूप धारण, वही से किस तरह से शेई से उस गांव का नाम शेई पड़ गया। पासी में चौमा है, चौमा मैंने चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जब कृष्ण के लीला में कुछ व्याघात हुआ तो ब्रह्मा जी उनसे क्षमा मांगे, अपराध में कहीं भी पत्थर होकर के भी जहां तहां भी जन्म लेने की प्रार्थना की और अपने को अपराधी माने, और वहीं जाकर के बैठ करके तपस्या करके अपने अपराध को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। बालकों ने देखा ब्रह्मा जी को चार मुख को और देख करके कहने, अरे ये चौमा 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 चौ मुहा चौमा से हो गया चौमा। वो स्थान अभी भी है, वहां पर ब्रह्मा जी की शिव विग्रह है, और उस वन में हम लोग नहीं जा सके, उस चौमा को हम लोग प्रणाम करते हैं। यह हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी का स्थान है, वहीं पर एक मंदिर देखा जाता है, और कहीं ब्रह्मा जी का कोई मंदिर कहीं भी नहीं देखा जाता। लोग कहते हैं कि अब शाप है, किंतु क्यों इसलिए नहीं है, शंकर जी का तो है, किंतु ब्रह्मा जी का एक मात्र हमने देखा है वहां, और एक है पुष्कर में है, बस दो जगह, एक है सपौली, सपौली ग्राम, उसको आजकल पसौली कहते हैं, थोड़ा सा एक अक्षर इधर उधर बदल दिया, पसौली को सपौली, सपौली माने सांप से, जहां पर कि सांप आवाज हो कृष्ण को निगलने की चेष्टा की थी, उस गांव का नाम सपौली या पसौली है। ये सब ब्रज के जितने भी गांव है कृष्ण लीला स्थलियों के नाम पर है, और यदि कोई जाकर के उनको प्रणाम करे स्पर्श करे
लीला स्थली क्योंकि वो सचिदानंद स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, धाम बलदेव स्वरूप है, अतः वो लीला करते हैं। इसके बाद में अक्षय वट, अक्षय वट वहां पर है, तपोवन है, अक्षय वट है वहीं पर, उसका नाम है, गांव का नाम है कसरत। कसरत से मैंने कसरत, कसरत मैंने दंड उठक बैठक करना, मल्ल क्रीड़ा का स्थान, वहां पर गोपियों ने मल्ल क्रीड़ा में कृष्ण को परास्त किया था, कृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार की थी, इसलिए उसका नाम कसरत है और फारसी में अक्षय वट है। शायानो सपौली के पास में एक गांव है। शायान माने जब ब्रह्मा जी स्तव स्तुति करके जब चले गए अगस्त्य के बाद वध के बाद में, और ब्रह्मा जी अपनी भूल समझी तो उन्होंने प्रणाम इत्यादि किया और प्रणाम करके स्तव स्तुति करके फिर जब जाने लगे तो सखाओं ने जाकर के गांव वालों को कहा, ब्रजवासियों को, तो ब्रजवासियों ने कहा अब ये शायानो हो गया है, शायानो मैंने क्या, अब चतुर बड़ा हो गया है, शायाना हो गया है, ये ब्रजभाषा है, शायाना मैंने चतुर, अब बड़ा हो गया है, समझदार मैंने समझदार हो गया, अब कृष्ण शायानो हो गए हो, क्योंकि अब बुद्धिमान हो गया है, इसलिए शायानो, क्योंकि बड़े बड़े देवता लोग आकर के उसकी स्तव स्तुति करते हैं, इसे जरूर शायानो हो गए। एक जय है इसका, ये पासी में है जय, यहां से 506 महीने होगा। जय मैंने क्या, जब ब्रह्मा जी जब स्तव स्तुति करने लगे तब बोलने लगे जय हो जय हो जय हो, तो जय हो करने से जहां पर जय हो जय ब्रह्मा इत्यादि जी ने किया था, इसलिए उसका नाम हुआ जय तो जय हो। से पासी में एक सोनरख नाम का गांव है, ये जहां पर की कालीहरद है, कालीहरद से प्राय तो एक फौरदान की दूरी पर एक गांव है सोनरख। सोनरख माने क्या है, जो वो ऋषि वहां पर तपस्या करते थे, क्या नाम था, शौभरी, शौभरी का स्थान, तपस्या का स्थान है कालीहरद, और वो रहते उनकी भजन कुटी की एक कहां थी वो सोनरख में, इसलिए उनके नाम पर ये गांव का नाम है सोनरख, वहीं पर रहते थे और तपस्या यहां पर रहते थे। ऐसे ही जितने भी ब्रज में स्थान है वो सब का ऐसा ही नाम कौन दिया है? पहले यहां पर बस्ती नहीं थी, बस्ती लोप हो गई थी कृष्ण लीला के बाद, बज्रनाथ जी आए और उन जहां पर जो जो लीलाएं थी कृष्ण की वहीं पर एक एक गांव बसा दिया। और आदमी कहां से लाए, आदमी कहां से लाए, इंद्रप्रस्थ से ले आए, ब्राह्मणों को वहां से ले आए, बलियों को ले आए, जादुओं को ले आए, और लेकर के जहां जहां कृष्ण की लीला स्थलियां हैं उनका नाम पर वो सब लीला स्थली का नाम रख दिया। आज यदि बज्रनाथ जी नहीं होते तो स्थान सब लुप्त हो गए होते, हम लोग कुछ भी ये जो राधा कुंड, श्याम कुंड, हरिदेव जी और यहाँ पर गोविंद देव और जितने भी स्थान है ब्रज में, ये सब का कहीं पर उन्होंने चरण चिन्ह, कहीं पर कुंड, कहीं पर कुछ, कहीं पर मंदिर इत्यादि स्थापित, ये भी सब करीब 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 नष्ट हो चुका था, ब्रज भूमि एकदम जंगल हो गई थी 5000 वर्षों के बाद। उस समय में चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी को और लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को भेजा, ये जाओ लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, तब ये लोग आए और उसके बाद में रूप सनातन को उन्होंने भेजा और आते ये लुप्त तीर्थों का उद्धार, भक्ति ग्रंथों का प्रणय और सदाचार शिक्षा और शिव विग्रहों का प्रकाश ये करते तब इन लोगों ने आकर के ब्रज को प्रकाशित किया। ये हमारे गोस्वामी लोग नहीं होते, महाप्रभु जी का आदेश नहीं होता तो ब्रज भूमि किस रूप में रहती,
हम लोग नहीं सह सकते हैं। इसलिए सारा विश्व इन लोगों का चिर कृतज्ञ रहेगा, हमारे गोस्वामियों का, महाप्रभु जी का, उनके रूप सनातन गर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी का। इन्होंने वर्तमान जो अभी कुछ भी देख रहे हैं इन सबका उन्होंने प्रकाश किया है। हम यहीं पर उनके चरण में वंदना करके आज का हम लोग वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रसिद्ध एकादशी है, उत्थान एकादशी, शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक या चातुर्मास्य होता है, और इसमें एक महीना कार्तिक महीने का विशेष। जिन लोगों ने यह चार महीने का व्रत पूरा नहीं किया वो पांच दिन भी तथा ये जो करेंगे एकादशी से पूर्णिमा तक का विशेष नियम के साथ में, जिसको भीष्म पंचक कहते हैं, तो उनका पूरा हो जाता है। तभी गुरु महाराज जी ने हम लोगों को कहा कि तुम लोग हमारी साड़ी वाला चतुर्मास वाला एक फोटो रख देना, नहीं तो पीछे से ऐसे कुछ होंगे कुमार जी भ्रष्ट लोग जो कहेंगे कि कोई किसी ने हमारे संप्रदाय में चतुर्मास नहीं किया, केवल एक कार्तिक महीना करने से हो जाएगा या पांच दिन का हो जाएगा, इसलिए हमारा चतुर्मास वाला चार महीने वाला गाड़ी और ये सब युक्त तुम लोग चित्त रखना। प्रभुपाद जी का भी गुरु महाराज जी ने बड़े संरक्षित करके चातुर्मास व्रत वाला रखा था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने चार मास। कुछ लोग बैंगन नहीं खा सकेंगे, उड़द की दाल नहीं खा सकेंगे, उड़द का बड़ा नहीं खा सकते हैं, और ये सेव नहीं कर सकते, इसलिए चातुर्मास व्रत नहीं करते। केवल हम लोगों में निष्ठा के साथ में होता है, हमारी सारस्वत धारा में, वो भी हमारे नित्य लीला पृष्ठ ओम कृष्ण पास प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की धारा में भी है, उनके पूज्य पाद माधव महाराज के धारा में भी अभी कुछ कुछ है सुरक्षित, और बाकी सब सब लोग दाढ़ी कमाते हैं, ये करते हैं बैगन और ये सब का भाजा इत्यादि खाते हैं, कहते इसे खान पान से चतुर्मास का अभ्यास होता है, इसलिए गुरु महाराज ने इसको स्वीकार किया। इसलिए आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि हम लोगों की धारा में गुरु परंपरा में हमारे गुरु जी ने जिस धारा को रखा है उस धारा में उन्होंने जिस विचार को लेकर के रखा है हम उसके विचारों को मान करके चले, तब तो हम लोग उसके लिए टिक सकते हैं। अन्यथा धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है, कोई भी चातुर्मास नहीं करेगा। हम कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दाढ़ी तो नहीं कमाएंगे किंतु छटवा लेते हैं, मोम छटवा लेते हैं, ऐसा भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं हरि गुरु वैष्णव का वेश धारण करते हैं, बड़ी लज्जा की बात, सदाचार संपन्न नहीं रहते, लाल कपड़े इत्यादि धारण करते हैं, जैसा सदाचार वैष्णव सदाचार अवलंबन करके रहना चाहिए तब तक भक्ति हो सकती है। वैष्णव सदाचारी है क्या दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों का सत्ता हम लोग लेते हैं, ये सब ये भक्ति का महाविरोधी महाघोर अपराधी है। अभी से भी संकल्प लेकर करें हम सदाचार संपन्न होकर के निष्ठा के साथ में अनर्थ दूर करते हुए संबंध ज्ञान सही भगवत परिणाम पाने, अरे तत्व ज्ञान तो हो तब राधा जी का दास और गोपियों का दास बहुत दूर, अरे सदाचार संपन्न वैदिक भक्ति में हम लोग प्रतिष्ठित हो, बिना वैदिक भक्ति में प्रतिष्ठित हुए फिर घर में जब लोभ होगा तब तो लोभ का भी परिचय दिया गया है शास्त्र, यथार्थ लोभ होना चाहिए, यथार्थ लोभ होने से ही क्षण तिर अव्यक्त का लक्षण तिरमान शून्यता सामंद चमत्कंधा नाम गाने सदा रुचि, ये सब है। गुरु वैष्णव के चरणों में निष्ठा होगी, निश्चलितम भाव आएगा, जिस लाइन में चल महाजनों जैन कथा सफल था। कुछ लोग नया नया करते हैं, पहले होता था हमने सुना है कोई कोई, आजकल हम लोगों के संप्रदाय में अभी तक तो आ रहा था कि गुरु परंपरा में पहले ब्रह्म गायत्री होगी और इसके बाद में गुरु मंत्र गुरु गायत्री, तब गौ मंत्र गौ गायत्री, और इसके बाद में गोपाल मंत्र और तब काम गायत्री और पंच तत्व और महा। आजकल सुनते हैं कोई कोई
कहते हैं कि गुरु जी की प्रधानता पहले गुरु की पूजा है, इसलिए गुरु मंत्र को ही आगे देते हैं, इसके बाद से ब्रह्म गायत्री देते हैं। ये हमारी परंपरा का धारण। गुरु महाराज जी सब सिद्धांत भी थे, उनके पहले के आचार्य श्री प्रभुपाद जी ये सब थे, इसलिए उनकी परंपरा में रहो और नहीं तो विच्छिन्न होकर के उठ जाओ। ये सब चीजों को ठीक रखना चाहिए। गुरु महाराज जी जिस धारा में आए हैं तो धारा में हम लोग विशेष करके परम पूज्य बाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी तत्व ज्ञान विचार को जानते हैं, गुरु की बहुत सेवा की है, इसलिए जिस विचार में हम लोग को चल रहे हैं उस विचार को मान करके आगे बढ़ने की चेष्टा मत करें, उल्लंघन न करें, तो फिर भक्ति का विरोध हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोगों का प्रश्न समापन को होने को जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे हमारी बातों को कोई बुरा मत माने, इसको गंभीर रूप से विचार करके हम लोग देख करके चाहे, इसी में हमारा अनुगत्य के बिना वैष्णव धर्म नहीं, इसलिए हम अनुगत्य में रख करके हरि भजन करें। पूज्य पाठ महाराज जी हैं वो लोग हैं, गुरु जी का विचार है इसको लेकर इस तली तीन भार भी तक जाएंगे। अभी हम लोग परिक्रमा के लिए जाएंगे, सब लोग अभी परिक्रमा जिनको जो जो लोग समर्थ हैं और स्वस्थ नहीं हैं, यदि परिक्रमा आप लोग कर सके तो बहुत अच्छा है। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी और उन लोगों के जो जो जाना चाहेंगे वो लोग अभी परिक्रमा में जाइए, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर में हो जाएगा, और वो करके तब आइए। आज शाम को फिर हम लोग जैसे बैठते हैं वैसे है। गौ ब्रह्मानंद अभी मत उठो, अभी मत उठो, थोड़ा सा बैठ जाओ, इतना देर बैठा While we were coming to Vrindavan, we have asked, और उनके संबंध में भी हम लोग कुछ पुष्पांजलि देने का प्रयास करेंगे। और कल सवेरे 12 के बाद ही में हम लोग पेपर में हम लोग जाएंगे परिक्रमा हमारी, नहीं तो फिर पीछे संभव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा सा ये चेंज किया, क्योंकि बस बाहर जाना है, बहुत लोगों को कल परसों में ही हरिद्वार जाना पड़ेगा वहाँ की व्यवस्था के लिए, और बाकी हम लोग 23 तारीख को शाम को रिजर्वेशन हम लोग करने की चेष्टा कर रहे हैं, बसें एकदम हम लोग चले जाएंगे, इसलिए हम लोग यदि कल डिलीवर नहीं होगा तो फिर पीछे नहीं हो सकता है, इसीलिए अंतिम हम लोगों का ये रह गया है, इसको हम वेलकमिंग टू वृंदावन। We have crossed many villages where so many pastimes of Krishna took place. And Maharaj is giving the name of all those different villages and is asking us to offer our prayers and obeisances from here. He is taking us around all those places. Chhatravan. Chhatravan, Chhatra means umbrella. Once all the sakha of Krishna. Not general umbrella, which is kept over head of a king, the special type of umbrella. So once Krishna's sakha, they declared him king of this place and they put a umbrella on his head. So that place becomes Chhatravan. Thereby there is a village, its name is Umrao. Umrao means king or queen. When Sakhi came to know that Krishna has been declared as king,
at this village, they also put an umbrella on Radharani and made her queen. She became queen of whole Braj. And there Radharani declared, she became known. She was from before, but they declared today that Krishna is not Chhatrapati but Radharani is Chhatrapati. She is already queen of Braj, so they situated her on a throne and put an umbrella on her and re-uttered her queen, that she is a queen. And then Radharani declared that anyone in my domain, in my kingdom, declared himself to be Chhatrapati, he should be called. Chhatrapati means who has been declared as king. So he should be caught and should be brought here. So all the Sakhi, they went and they attacked at this Chhatrapati. And they caught Madhu Mangal. Madhu Mangal was brought to Radharani and Madhu Mangal surrendered in front of Radharani, said, "You please leave me, I will bring my friend also at your lotus feet." Then Madhu Mangal went to Krishna and he was released by gopis. And then he said, "These gopis are very powerful. Krishna, it is not possible for you to win them. So it is better for you and for all of us that you should surrender to her." Then Krishna, Madhu Mangal took hand of Krishna and he brought Krishna to Radharani and Krishna put his head on the lotus feet of Radharani and said that, "I surrender in front of you." So that village is Umrao. Maharaj is emphasizing here that different pastimes are proving the status of Radharani and Krishna. Then we came to a place, the name of that place is Nari, Tebri. Nari, Tebri. These are two different villages, but taking two villages together, the name comes Nari, Tebri. Nari means Radharani, Kindari. Kindari is the real name. Kindari means Sakhi or Radharani. And Tebri is the name given after one Sakhi, her name is Shyama, Shyama Sakhi. There is a pastime in this regard mentioned by in Bhakti Ratnakar Maharaj saying, Krishna once took a form of Kindari, Kindari means Sakhi, and went to Radharani and asked that, "I want to beg something very precious with you. There is a jewel you are having, precious jewel." She said, "What jewel you want that I should donate to you?" Krishna went as Kindari. "I want that the most precious jewel of man you have with you, please donate it to me." And then she gave that man. Man was broken. Then there is a place, Vakshara. In this place, Vak means Vakasur. Vakasur was killed at this place. There is another village, its name is Diocha. There is one word, Chak. Chak means lunch pack. Chak means lunch pack. Radharani prepared a lunch pack for Krishna. Krishna went for cow grazing. Then wherever Krishna used to go, near to that place, Radharani will hang that pack, lunch pack, on the branches of tree. Other mothers will also do like this. And in the noon time, when Krishna and his friends will come, they will take that chak. So the name of that place is Diocha. Then Bhandago. It is the place of Bhadra Sakhi. Bhadra Sakhi is Suhurd of Chandravali. Another name of village is Pai Gaon. Suhurd means inclined towards Radharani. Suhurd means who is having soft corner for Chandravali.
tatastha, but having some inclination towards tatastha to Radhika, neutral to Radhika, and some inclination towards Chandravali. Payagam. Payam is milk. This is the place where Krishna used to go for cow grazing. All the sakis used to give him and his friends milk. So Payagam. Or when cows were standing in their khidak, all the in their goshala, you know goshala, but they will not give their milk. Even their calves are taken to cows, but they will not give milk, they will wait for Krishna. And when Krishna comes, automatically milk starts oozing out from their udder. So they will give milk to Krishna first, then to their calves. This place is called Paigav. Then Sheshshayi. Once Krishna was sitting with his sakhis, gopis, and gopis, they were jesting together. Oh, we heard that you are Narayan or like Narayan, but Narayan always sleep on ocean. He has got a shayya. Shayya means bed. We are on the ocean and he sleeps there. You can do this thing. So there was a very big pond of 3 or 4 kilometers together. Very soon, so many lotus came together and they became a very good shayya, bed. Krishna lied down on those lotus and Radharani came and she started massaging his feet like Lakshmi. So that place became Shesh Shayya. Then Manchari. When we go to Delhi, just after Palwar and before Hodal, this place comes Manchari. This is the boundary of Braj. So Krishna used to go up to this place for cow grazing. Manchari. Then very interesting place, Kosi. It has got two meanings. Kush is a sort of bush. So generally this place is full of that bush, of which name is Kusha. So on that its name is Kosi. But another pastime took place. Radharani was having a house here, she was staying here. And Krishna came and knocked at the door of Radharani's house. And Radharani asked, "Kon hai? Who is it? Ko asi?" And then Krishna replies, "I am Krishna." Radharani said, "Oh, Krishna means serpent. I don't treat serpent. Go away from here." "Oh, I am not that Krishna. You try to understand. I am Ghanshyam." Another meaning of Ghanshyam is cloud. We don't need cloud. We don't need rain. Go to the fields and just shower your rain over there. "Oh, I am not that Ghanshyam. Why don't you understand? I am Chakri." Chakri is the name of Krishna. At the same time, Chakri means potter, who makes the pot. In India, pot maker has a Chakri wheel to which he gives round and then he makes the earthen pot. So he is also called Kumbhar, is also called Chakri. We don't need potter men. We don't need any pots. We don't have any festival here. You go from here. "Oh, why don't you understand? I am not that Chakri. I am Hari." Hari? Hari has got two meanings. Monkey? "Oh, I am afraid of monkey. Go away from here." "Oh, no, Hari. Hari, Hari means loin. You are loin. You should go to jungle. This way Krishna told him so many names and Radharani just made another meaning of that name and door remains unopened. So, then we went to Vatsavan, where we had the pastime. Brahmaji stole Krishna's friends and his calf. Where he kept them, Maharaj is clarifying, he kept all those calves and friends at a place that is called Khadar. Khadar is a place very, very big holes in the Yamuna. Very big, big hole. So Brahmaji kept in one of those holes that is called Khadar.
that this place, first one, is in the village, its name is Sei. Sei means the same. We have already discussed there. When Brahmaji paid his obeisances to Krishna, because Krishna took form of each and every cow and each and every friend of Krishna, and Brahmaji was bewildered by his pastime, then each and every cow became Narayan, and each and every friend of Krishna became Narayan. And then he is seeing, oh, Sei Krishna, Sei Krishna, that in each and every cow he was saying the same, seeing the same Krishna, so the name of this village became Sei. Then we came to a place, Choma. It is related to the same pastime. When Krishna was, when Brahma was offering his prayers at that time, all the Krishna's friends say, oh, Choma. Choma means having four faces, having four faces. You are Choma, you are Choma. Then there is a village, its name is Sapoli. Earlier its name was Sapoli, now they called it Patoli. Sapoli means serpent, python. So Agastur was killed here, on that this name has become Sapoli. Then we went to Akshayavat. We could not go to Akshayavat, but there is an Akshayavat. And there is a village, its name is Kasrat. Kasrat means exercise. Wrestlers perform their exercise. So the name of this village is Kasrat. Here there was a duel took place between Radha and Krishna, and Radha Rani defeated Krishna. Then we went Siano. There is a village, Siano, near to this place. Siano means to become intelligent. Oh, when all the friends told to the villagers, to the Brajavasis, that today we saw a very great surprise. A four-headed person came and he was praying to our Krishna. They said, oh, it appears now our Krishna has become so much intelligent that so many intelligent people are praying to him. He has become Siano. Siano means intelligent. Then there is a village, Jain. As Brahmaji was calling, Jai Ho, Jai Ho, Krishna, all glories to Krishna. In Hindi we say Jai. So on that Jai, its name became Jai. Then there is a village, its name is Solarakha. 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 The name of village is Solarakha. This name is on Sobhari Rishi. You know, near to it is Kalia Hird, where Kalia serpent was staying. At this place, Sobhari Rishi performed his austerity, and he was living in this village and having his bhajan kuti here, Sonarakha. Maharaj is saying, from where all these villages' name has been taken, and how these villages have been established. This is the uphill task done by Vajranav. When Krishna left in the boat, Vajranav re-established with Chandaliya Rishi and Parikshit Maharaj. He came here and he found out the different pastime of Krishna. According to those pastimes, he made villages here. Now the question arises, from where he got the people to settle them here? He brought from Indraprastha some Brahmins, some businessmen and some different people of different caste and creed, and he resettled Braj, and these are different names. He spotted Raja Kund, Shyam Kund. He also established so many deities. So most of the work of Braj, renovation of Braj, has been done by Brajanav. But with the passage of time, again it was totally ruined. And then Chaitanya Mahaprabhu first sent his associate Loknath Maharaj and Bhogarbh Goswami. They found out some places, and then finally Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they were sent here. They have spotted out and discovered so many places of Krishna's pastime. We are very much indebted to them, because
Had they not been here, we would have not seen Braj in this way. We could have not done the parikrama of Braj. We would have not known where these places are. And we are. They have performed this duty. Chaitanya Mahaprabhu gave them duty that you should go there and should find out the places of pastimes, Krishna's pastimes, which have been hidden nowadays. Then he was given a, they were given a job of writing books on Shuddha Bhakti. They have written the books also on Shuddha Bhakti. They were given the job of to set the Vaishnav etiquette, Vaishnav Vyavar. And then finally the task was given to them was to find out all those vigraha which were established by Bharat Bhajana, and they did it. So, whatever the shape and the whatever thing we are seeing in this bridge is because of our Goswami Pad. We should pay our respect to them from the core of our heart. Then Maharaji said that this Chaturmas is very important thing and we should observe it. There are some people in our Gauriyavan Sampradaya also, they don't say that there is any necessity to have it, to observe this Chaturmasya. Param Gurudev, Gurudev of our Maharaj, he said that keep my one photograph with beard so that people should understand it, that he used to observe Chaturmasya. Similarly, Param Gurudev has very carefully saved one photograph of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada also with beard, that shows that he was also observing Chaturmasya. Chaitanya Mahaprabhu also, we know that when he was in South, he was observing Chaturmasya, 4 months Chaturmasya at the house of Venkat Bhat Goswami. So this is in our parampara. We should not give it up. Some people say, why should we give up to eat eggplant and maki, pulse, maki dal? There are some restrictions we don't take for 4 months. How does it relate to our bhakti? These eatable things have got nothing to do with our bhakti. But whatever has been established by our acharyas and our gurudevs and their parampara, we should not violate this thing, because to follow it as it is, 100% as it is our duty. Only then we can perform our bhakti. Some people are shaving their beard. Hey, hari hari. Today is Ekadashi. Today Ekadashi, you should try to observe Ekadashi. Don't take chapati, don't take rice, don't take dal or other things. And if you can go, you can food fast. Go on. But don't take tomato. Today is the disappearance day of Srila Bhakti Gurudev of Srila Bhakti Jagat Guru Nityanidas and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. We will glorify in the evening class. All speakers will speak. Now is the evening class at 4 o'clock evening class. 4 o'clock class was starting in the evening. Yesterday, some things were lost and some things were found. One of them is this, box number 2. Clothes also are available, you can contact Vrindavidhi. Then, anyone who wants to get his passport back, collect it after the parikrama or in the early afternoon, 3:30, from me. Luggage also, there was some luggage out here, I hope everyone has taken. Anyone has lost a bag, anyone who has taken a black bag by accident, please return it. I'm not ready.
Where are we going on Karakram? परम पूज्य जिन्होंने शामिल गोपाल कीर्तन श्री महाराज यहाँ के किनारे किसी गुरु तत्व और बड़ा जन आदेश करे हम इस संपूर्ण लोग हम किसी किसी ना जाने ना बोले पड़े ना तथापि तार की आदेश इसमें शाम बोले करे तो कुछ तो मैंने किया এত স্নেহ করতে আমি জানি বুঝতে পারি না এখনো পর্যন্ত
আমার দুর্বাসব আর মহারাজ আলাদা পৃথক রূপে জানেন উপায় আমার দূরে আমাকে কীর্তনের জন্য রাখছে এবং যেখানে যেখানে কৃষ্ণনগর যেমন প্রথম মিয়া হলো রথযাত্রা হলো আমি গিয়েছিলাম কীর্তনের জন্য এবং কলকাতাতে যখন উৎসব হতো আমার কীভাবে রাখছে আমি যেতাম তা সে অপূর্ব শ্রীমূর্তি ও কৃষ্ণের কথা ওইটা আমি বলতে পারিনি শাস্ত্রে যে বলছেন তিনিও শুক্রাচার্য তিনিও বলেছিলেন সাবধান
বিচার থেকে দিবে না কেন বলবেন আমি ব্রাহ্মণকে দান করতে নিষেধ করছি কেন ব্রাহ্মণ মহান উঠ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণের বেশ ধান করেছেন ইন্দ্রের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যের জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধান করেছেন ওই ছোট ছোট বাগনি দেখছ সব তোমার নিয়ে তোমার কাঁদাও করে দেবে তোমার নিয়ে হিসেবে দিয়ে দেবে আর তোমার কাঁদাও করে দেবে সমাধান করে দিও না ব্রাহ্মণ ভগবান বিষ্ণু তখন পরিমাণ করেছেন তো গুরুদেব দেখি বলতে পারি আমি যোগ্য করছি দান করছি কেন বিষ্ণুর ভৃত্য ভগবান বিষ্ণুর স্মৃতির জন্যে তার আনন্দের জন্যে তার প্রভাবের জন্যে আমি দান করছি বা যোগ্য করছি আর তাকে তাকে যদি নিষেধ করছেন আমি রাখবো কার জন্যে ভগবানকে না দিয়ে রাখবো কার জন্যে তবে আমি জীব আপনার কারণ করতে চাই না গুরুদেব বাদ দিয়ে গুরুদেব ত্যাগ করে দিলেন এই জন্য দেখাবে না এই জন্য গুরু মহারাজ আর মহাদেব উন্নত অতএব আমরা গুরুকরণ করি তারা কেউ করছেন কিন্তু তারা গুরুদেবের সব আদেশ ধরে পালন করতে পারে না এমন গুরুদেব কেন ভগবান নিজে বলছেন আজ্ঞায় গুণান দোষান ভয়ান্বিত রবি সগান ধর্মান সন্তান সদস্যরাম মান ফলে সত্যম আমার আদেশ ভগবান নিজে বলছেন আমি যে বলেছি তারও বৈষ্ণব বিচার করে ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার যে ভজন করবে সেই অতি ভগবান গুরুদেব সব কথাগুলো দিতে হবে না হ্যাঁ নিজে সুযোগ চলতে হবে অতি আমি সদগুরু যিনি সদাসর্ব ভগবান সে ভজন নষ্ট আছেন আর দ্বিতীয় গুরু দুই দেশ না চব্বিশ ঘন্টায় ভগবানের সেবা করেন ব্যাসদেবের কার্য করেন গুরুদেব আপনি এবার দিদিটিকে ব্যাসপ্রিয়া বলা হয় ব্যাসপ্রিয়া কেন বলা হয় না ব্যাসদেব জীব কল্যাণার্থে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন বহু গ্রন্থ লিখেছেন হ্যাঁ পরিশেষ ভাগবত লিখেছেন ব্যাসদেব জীব কল্যাণার্থে